Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to share with you a very useful and very tasty recipe. This is lamb brain curry. For this I have taken 2 lamb brains, 1 cup of chopped onion, 1 cup of spring onion chopped, a tablespoon of garlic, 3 tablespoons of ginger, 1 medium tomato chopped, some green chilies, some green coriander leaves, 1 teaspoon of black pepper, 1 teaspoon of crushed chili, 1/2 teaspoon of turmeric, 1/2 teaspoon of salt and 1/2 teaspoon of red chilies. For this I also need a cup of oil. And I also have some separately taken some ginger powder and turmeric and salt, and I put the water to boil. आज मैं आपके साथ बकरे का मगज बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ. इसके लिए मैंने 2 मगज ले लिए हैं, 1 कप चॉप्ड प्याज, 1 कप चॉप्ड सब्ज प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन, 3 स्पून अदरक, 1 टमाटर, थोड़े से हरे धनिया की पत्तियां और चंद जो है सब्ज मिर्चें. इसके साथ साथ मेरे पास हैं काली मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक और सूखी मिर्च पाउडर, और 1 कप इसके लिए मुझे ऑयल या घी दरकार है. मैंने पानी को पहले से ही उबलने के लिए पॉट में रख दिया. आई पुट द वाटर टू बॉइल एंड नाउ आई फ्लेम अप. जो ही पानी उबलना शुरू होगा तो मैं ये ब्रेन जो है इसमें रख दूंगा और इसको अच्छी तरह उबाल लूंगा. नाउ आई पुट दीज स्पाइसेस, टर्मरिक पाउडर, साल्ट एंड गार्लिक पाउडर इन द बॉइलिंग वाटर. नाउ आई पुट द ब्रेन्स इनटू द बॉइलिंग पाउडर वाटर एंड let it boil for 3 to 4 minutes. 3 minutes, let it check. Wow, it is well boiled. And now I drain the water off. अब मैं इसमें से पानी को निकाल दूंगा और इसको मैं पानी ड्रेन कर दूंगा. अब इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ऑयल जो है डालूंगा. प्याज जाएगा. Now I put the oil and onion into the vase and I cook it for quite some time. इसको सोते होने के तक मैं इसको पकाऊंगा और उसके बाद इसमें बाकी वेजीज और स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे. ये बहुत ही जबरदस्त डिश है और सर्दियों में ये बॉडी को हीट जो है फ्राहम करती है, हरारत पैदा करती है जिस समय, तो सर्दियों में ये बहुत ही कारामद है और सर्दियों में आप बनाएं, खाएं और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और इसकी अफादियत से फायदा उठाएं. Now I'm frying the onions into the oil. When these become little softer, then I add the remaining veggies and cook them. And I do the all steps with you. It is a very nice recipe for the cold areas and for the winter season. अब ये प्याज यार बड़ी अच्छी तरह तैयार हो गया है. अब इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डाल दिया
Now you add the garlic paste and cook it well again for quite some time. Now the time to add the ginger. Now I cook the ginger too. इसमें मैंने पहले प्याज डाले, फिर इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला और अब मैंने इसमें जूलियन कटा हुआ जो है जिंजर इसमें शामिल कर दिया और इसको कुछ देर के थोड़ी ही खूबसूरत इसमें से खुशबू जो है उठनी शुरू हो गई है। अ वेरी नाइस अरोमा इज कमिंग आउट ऑफ इट। इसमें से बहुत ही बेहतरीन अरोमा जो है वो आना शुरू हो चुका है। Now the time to add the tomatoes. Now I add the spices. बहुत ही बेहतरीन अरोमा जो है इसमें से उठना शुरू हो गया और बड़ी ही बेहतरीन जो है ये कुकिंग हो रही है। इस कलरफुल डिश जो है ये तैयार होगी, आप बनाएं और इससे लुत्फ़अंदोज हों। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत जल्दी से तैयार होने वाली डिश है और सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में जिस्म को हरारत की ज़रूरत होती है और इसलिए सर्दियों में इसको इस्तेमाल करें। नाउ आई पुट इन स्प्रिंग ऑनियंस। अब मैं इसमें हरा प्याज शामिल करने जा रहा हूँ। ये मैं इसमें हरा प्याज है वो शामिल कर चुका हूँ। इसमें बहुत सी वेजीज शामिल होती हैं और इसमें लैम्ब ब्रेन शामिल किया जाता है लास्ट में। ये बहुत ही आला सब्जियों की डिश है। यू यूज इट इन द विंटर फॉर चाइल्ड, फॉर ओल्ड पर्सन एंड फॉर यंग वंस। इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस रोमांस कमिंग आउट ऑफ इट। इट इज वेरी क्विकली मेड इट। You can make it very quickly within a no time. ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है पक्के और इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। Now it is the time to add the boiled brains. मैंने इनको पहले से बॉयल कर दिए हैं और आपको मैंने दिखाया था और अब इनको मैं इसमें मिक्स कर दूंगा और अच्छी तरह भून लूँगा। इसमें से कोई कुछ बदबू वगैरह या कोई ऐसी बैड स्मेल नहीं है और ये इसमें डाल दिए गए हैं। दो मैंने ब्रेन लिए हैं इसमें और बाकी वेजेस डाली हैं। अब मैं इसको लिड के साथ कवर कर दूंगा और 2 मिनट के लिए इसको पकने दूंगा। Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in your mind, please write in the comment box. आप ये बनाएं और enjoy करें। इसको 2 मिनट के लिए मैंने steam पर रख दिया है। 2 minutes passed. Now let it check. Wow, very nice aroma is coming out of it. I do not use any water. The water in the brain and veggies is dried out and this is ready. Now I garnish it with some green chilies. And green coriander leaves. A very nice and energetic dish is ready. I serve it into the vase. I do not dish it out. Very nice, very beautiful, very quick recipe is ready. It is very useful in the winter. ये सर्दियों की बेहतरीन डिश जो है ये आपके सामने तैयार हो गई है। तो आप बनाएं और मुझे अपने तजर्बे से आगाह करें। Please write in the comment box. I will be there with you with another tasty and beautiful recipe. Thank you.
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।